दोस्तों, सलमान खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी फैन फॉलोइंग ऐसी है कि वो चाहे कैसी भी फिल्में बनाएं, उनके फैंस उन फिल्मों को पसंद तो करते ही हैं, क्योंकि उनमें सलमान खान जो होते हैं। लेकिन आज हम सलमान खान के बारे में नहीं, बल्कि सलमान खान के साथ डेब्यू करने वाली कुछ एक्ट्रेसेस के बारे में बात करेंगे और उनके रियल लाइफ पार्टनर्स के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाग्यश्री के बारे में। भाग्यश्री ने सलमान खान के साथ फिल्म मैंने प्यार किया से डेब्यू किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। वहीं अगर भाग्यश्री के पति की बात करें तो भाग्यश्री के पति का नाम हिमालय दासानी है। भाग्यश्री ने हिमालय दासानी से 1990 में शादी की थी। भाग्यश्री ने सलमान खान के साथ फिल्मों में डेब्यू तो किया था, लेकिन उनका करियर कुछ ज्यादा चल नहीं पाया। वहीं अब बात करते हैं मलयालम एक्ट्रेस रेवती के बारे में। रेवती ने बॉलीवुड में लव फिल्म से अपना डेब्यू किया था। इससे पहले वो मलयालम फिल्मों में काम तो कर चुकी थी, लेकिन बॉलीवुड में सलमान खान के ऑपोजिट ये उनकी डेब्यू फिल्म थी। वहीं अगर रेवती के हस्बैंड की बात करें तो रेवती के पति का नाम है सुरेश चंद्र मेनन। सुरेश चंद्र मेनन एक इंडियन एक्टर, सिनेमेटोग्राफर और एक फिल्म डायरेक्टर हैं। रेवती ने सुरेश से 1986 में शादी की थी। अब बात करते हैं नगमा के बारे में। नगमा ने सलमान खान के साथ फिल्म बागी जो 1990 में आई थी उससे डेब्यू किया था। फिल्म हिट रहने के बावजूद भी नगमा इंडस्ट्री में अपनी पहचान नहीं बना पाई। इसके अलावा उनकी ऐसी कोई फिल्म नहीं आई जो हिट रही हो। नगमा ने सनम बेवफा, हस्ती, किंग अंकल और कुंवारा जैसी कई फिल्मों में काम किया। वहीं अगर इनके हस्बैंड की बात करें तो नगमा ने 1969 में मोरारजी से शादी की थी, लेकिन 1974 में वो अपने पति से अलग हो गई थी। वहीं अगर उनके पासपोर्ट पर नजर डालें तो उनके पासपोर्ट पर उनका असली नाम नंदिता अरविंद मोरारजी है। वहीं बॉलीवुड की फेमस हीरोइन रवीना टंडन ने भी सलमान खान के साथ ही अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। रवीना टंडन ने सलमान खान के साथ फिल्म पत्थर के फूल से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। रवीना ने कई हिट फिल्में दी। 1999 में गैर उनकी आखिरी फिल्म थी जिसमें वो अजय देवगन के साथ लीड रोल में नजर आई थी। रवीना टंडन 2000 में बुलंदी फिल्म में भी नजर आई, लेकिन उसमें उनका साइड रोल था। अब अगर रवीना टंडन के पति की बात करें तो रवीना टंडन के पति का नाम है अनिल थडानी। अनिल थडानी एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनसे रवीना ने 2004 में शादी की थी। अब बात करते हैं चांदनी की। डेब्यू फिल्म सनम बेवफा में चांदनी ने रुखसार खान का रोल प्ले किया था। इसके बाद हिना, जय किशन और मिस्टर आजाद जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन चांदनी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सलमान खान के साथ ही की थी। चांदनी की हिना फिल्म को छोड़कर उनकी कोई और फिल्म ज्यादा कमाल तो नहीं दिखा पाई, इसीलिए चांदनी फिल्मी दुनिया को अलविदा कहकर अमेरिका में एक डांस अकेडमी चला रही है। वहीं अगर बात करें चांदनी के पति के बारे में तो चांदनी के पति का नाम सतीश शर्मा है, जिनसे उन्होंने 1996 में शादी की थी। अब बात करते हैं स्नेहा उल्लाल की। स्नेहा उल्लाल ने लकी फिल्म में लकी नेगी का रोल प्ले किया था, जो स्नेहा उल्लाल की 2005 में आई डेब्यू फिल्म थी। इसमें वो सलमान खान के ऑपोजिट ही नजर आई थी। इसके बाद 2006 में उन्होंने आर्यन फिल्म में भी काम किया, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। इसके बाद स्नेहा ने तेलुगु और बंगाली फिल्मों का रुख कर लिया। वहीं अगर स्नेहा उल्लाल के पति की बात करें तो स्नेहा उल्लाल ने अभी तक शादी नहीं की है। फिलहाल वो तेलुगु और बंगाली फिल्मों में काम करके बहुत खुश हैं, लेकिन हाँ, उन्हें अगर बॉलीवुड में काम करने का मौका मिला तो वो जरूर काम करना चाहेंगी। अब बात करते हैं भूमिका चावला की। भूमिका चावला ने 2003 में सलमान खान के ऑपोजिट तेरे नाम फिल्म से अपना डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने दिल ने जिसे अपना कहा, सिलसिले और गांधी माई फादर जैसी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन बॉलीवुड में उनका करियर कुछ चल नहीं पाया, इसलिए भूमिका ने साउथ फिल्मों का रुख कर लिया। वहीं अगर बात करें भूमिका चावला के पति के बारे में तो भूमिका चावला के पति का नाम भरत ठाकुर है। भरत ठाकुर एक योगा टीचर हैं। भूमिका की मुलाकात भरत ठाकुर से उनके योगा सेंटर में ही हुई थी और 4 साल तक उन्हें डेट करने के बाद उन्होंने 2007 में शादी की थी। अब बात करें जरीन खान की, तो जरीन खान ने वीर फिल्म में प्रिंसेस यशोधरा का रोल प्ले करके सलमान खान के ऑपोजिट अपने फिल्मी करियर का डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने रेडी, हाउसफुल 2
और हेट स्टोरी 3 जैसी कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन उनका करियर बॉलीवुड में कुछ खास चल नहीं पाया। वहीं अगर उनके रियल लाइफ में पति की बात करें तो जरीन खान ने अभी तक शादी नहीं की है और अभी वो अपने करियर पर ही फोकस कर रही हैं। तो दोस्तों, जिन एक्ट्रेसेस ने सलमान खान के ऑपोजिट अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, उनके बारे में जानकर आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर मिलूंगी एक और ऐसी ही बॉलीवुड की चटपटी खबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।